हेलो दोस्तों, मैंने आपको इरिगेशन करवाया था पिछली वीडियो में, आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखा जाए, हम थे यहाँ पे राइस की वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है 90 से 250 सेंटीमीटर, बस 250 सेंटीमीटर किसकी है, राइस की। वीट की देखिए, सोरगम की, सोयाबीन की और टबैको की, इनमें कम होता है 45 से 65, आप 40 से 60 के बीच में याद रखो, 40 से 60। शुगर केन की, शुगर केन में 150 से 250, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। देखो शुगर केन में ज़्यादा होती है, 150 से 250। चावल की 90 से 250, फिर उससे कम वीट, सोरगम, सोयाबीन, टबैको, इनमें है ना, आप 40 से 60 के आसपास करो। कॉटन में अगर देखें तो इसकी होती है 70 से 130 सेंटीमीटर कॉटन की। मेज़ की और ग्राउंडनट की देखें तो 50 से 80 सेंटीमीटर। पीरियड व्हेन वाटर रिक्वायरमेंट इज़ मैक्सिमम, जब वाटर रिक्वायरमेंट है जो मैक्सिमम हो जाता है, कि मतलब उस टाइम तो देना ही है क्रॉप को, अदरवाइज़ वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा या विल्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, तो क्रिटिकल स्टेज होता है वो। व्हाट विल बी द सीपीई वैल्यू व्हेन इरिगेशन इज शेड्यूल एट, व्हाट विल बी द सीपी वैल्यू व्हेन इरिगेशन इज शेड्यूल एट 0.8 IW इरिगेशन वाटर एफिशिएंसी डिवाइड बाय सीपी विद 6 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लीव दिस। द रेशियो ऑफ द क्रॉप यील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर इरिगेशन इज कॉल्ड, मेजर्ड इन केजी पर हेक्टेयर सेंटीमीटर इज वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी आपको बता दूं कि जो रेशियो होता है किसका, क्रॉप यील्ड का, कि वाटर जो हमने अप्लाई किया है कितना, मतलब उसको वो यूज़ कितना हुआ है अच्छे से। तो यील्ड, क्रॉप यील्ड डिवाइड बाय टोटल जो अमाउंट होता है पानी का यूज़ हुआ है इरिगेशन के लिए, क्रॉप यील्ड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर इरिगेशन इज कॉल्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। सोल्ट कंटेंट इरिगेशन वाटर एवेलेटेड एज बेस्ट क्वालिटी 0.2 से 0.5 ग्राम पर लीटर। सोल्ट कंटेंट इरिगेशन जो वाटर होता है बेस्ट क्वालिटी कितना माना जाता है, 0.2 से 0.5 ग्राम पर लीटर, 0.2 से 0.5। आप ऐसे याद कर सकते हो, सोल्ट ऐसे ना तो 5 बना सकते हो, तो 0.2 से 0.5 या 2 भी बना सकते हो रिवर्स में। द परमिसेबल एंड नॉर्मल लिमिट ऑफ ई सी आर एस सी एस ए आर एंड बोरोन कंटेंट, ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको ई सी आर एस सी एस ए आर ये बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। बोरोन इतना नहीं पूछते, बट ये स्टार्टिंग के 3 ही पूछते हैं। देखो आप कितना है, एक मिनट, परमिसेबल एंड नॉर्मल जो लिमिट होती है 2 से 4 तो हो जाती है ई सी, ठीक है, और आर एस सी 2.5 से कम, एस ए आर 10 से कम, बोरोन 3 से कम, ये हो जाता है। नाइट्रेट लेवल इंटर अबव 10 एम जी पर लीटर आर कंसिडर एज ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड, अगर 10 से ज़्यादा हो जाता है ना, 1 लीटर में 10 एम जी से ज़्यादा नाइट्रेट हो जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है, हेल्थ हैजार्ड प्रॉब्लम कर देता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड टू एंश्योर अ फेवरेबल सॉल्ट बैलेंस इन द सॉइल इज एग्रीकल्चर ड्रेनेज, इसमें क्या होता है, एक्सेस वाटर अगर हमने रिमूव कर दिया, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से अगर हमने एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया टू एंश्योर अ फेवरेबल सॉल्ट बैलेंस, अगर हमें सॉइल में सॉल्ट बैलेंस करना है तो आप एग्रीकल्चर ड्रेनेज बोलोगे उसको, भैया मतलब रिमूव, एक्सेस वाटर को रिमूव कर देना, उसको ड्रेनेज बोला जाता है, ठीक है। इन वाटर लॉग्ड सोइल द कंसंट्रेशन ऑफ डैश इज हाई, वाटर लॉगिंग में क्या होता है, मीथेन की कंसंट्रेशन हाई होती है, जो कि कौन से क्रॉप में है बताओ, वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देने की कोशिश करना, मैं बताती हूँ आपको, ये राइस मीथेन, ठीक है। द रूट डेवलप ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स एडवेंटिशियस रूट, वाटर लॉगिंग जब हो जाती है ना तो कौन सी मोस्टली ये देखा गया कि जो वाटर लॉगिंग में कौन सी रूट डेवलप होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। अंडर वाटर लॉग्ड कंडीशन विच न्यूट्रिएंट आर फाउंड डेफिशिएंट फॉर द क्रॉप्स, जिंक और कॉपर। अंडर वाटर लॉग्ड कंडीशन विच न्यूट्रेंट आर फाउंड डेफिशियंट, ठीक है, वाटर लॉगिंग होती है तो जिंक और कॉपर की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ये मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया है। डेप्थ ऑफ वाटर सेंटीमीटर टू बी ड्रेन इन 24 आवर पीरियड फ्रॉम द एंटायर ड्रेनेज एरिया, उसको ड्रेनेज कॉफिशियंट बोला जाता है। क्या बोला इसने, वाटर की जो डेप्थ होती है जो कि निकाला जाए एक्सेस वाटर 24 आवर में, उसको क्या बोले, ड्रेनेज कॉफिशियंट। ड्रेनेज ऑफ 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इन 24 आवर इज इक्वल टू 1.157 लीटर पर सेकेंड, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर का ड्रेनेज 24 आवर्स में ड्रेनेज करते हैं 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर 1.157 लीटर पर सेकेंड। वाटरशेड मैनेजमेंट भी आज कर लेते हैं कंप्लीट, इसमें क्या होता है, नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल यूनिट हैविंग कॉमन रन ऑफ आउटलेट पॉइंट वाटरशेड बोला जाता है। वाटरशेड ये आपको पता ही होगा, वाटरशेड नॉर्मली ये होता है कि जैसे कि फील्ड के अंदर एक पिट बना देते हैं, वहाँ पे एक कॉमन क्या बोल सकते हो आप, कॉमन रन ऑफ आउटलेट बना देते हैं, जिसमें जैसे बारिश है वो कलेक्ट कर लेगा वहाँ पे पानी और उसको हम क्रॉप्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल यूनिट हैविंग कॉमन रन ऑफ आउटलेट उसको बोलेंगे वाटरशेड। रेशियो ऑफ रन ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव इन अ कैचमेंट एरिया इज नोन एज रन ऑफ कोफिशिएंट, आप उसको कैचमेंट एरिया भी बोल सकते हो, जो आप जहाँ स्टोर करोगे ना उसको कैचमेंट एरिया भी बोल सकते हो। रेशियो ऑफ रन ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव इन अ कैचमेंट एरिया इज नोन ऑफ रन ऑफ कोफिशिएंट। रन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो जितना वॉल्यूम जितना जो रेशियो है रन ऑफ हुआ है बारिश जो हम जो आई है और उसका रन ऑफ एक्सेस वाटर निकला है जो डिवाइड क्या जो प्रेसिपिटेशन जो कैचमेंट एरिया में बारिश का वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है, वॉल्यूम कलेक्ट जो हुआ है और रन ऑफ, तो आप रन ऑफ जो एक्सेस वाटर निकला है डिवाइड जो ऐसे याद करो गया अपॉन कलेक्ट तो आपको जल्दी याद होगा, रन ऑफ कोफिशिएंट बोला जाता है। माइक्रो
माइक्रो वाटर शेड कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 100 से 1000 हेक्टेयर. माइक्रो वाटर शेड कवर कितना एरिया करता है? 100 से 1000 हेक्टेयर. मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट कवर कितना करता है? 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा करता है मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट में एरिया. ठीक है, उसके बाद इरीगेशन जो प्रोजेक्ट कवर करता है 10,000 से ज़्यादा कैचमेंट का, कैचमेंट कमांडेड एरिया में, तो मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं. और इरीगेशन प्रोजेक्ट कवर करता है 2,000 से 10,000 कैचमेंट कमांड एरिया का, तो इसको मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट. अगर 2,000 से कम होता है पानी, माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट. वाटर हार्वेस्टिंग इन सीटू इज नोन एज रन ऑफ फार्मिंग बोला जाएगा. वाटर हार्वेस्टिंग इन सीटू इज नोन एज रन ऑफ फार्मिंग. दोस्तों मैं आपको एक बार ड्राई लैंड और करा देती हूँ. देखो 750 से कम अगर एक साल में बारिश हो रही है तो उसको ड्राई फार्मिंग बोलेंगे. 750 से 1150 बोलेंगे तो ड्राई लैंड. अगर 1150 से ज़्यादा होती है तो रेन फेड फार्मिंग. ठीक है, उसके बाद क्या है ड्राई लैंड फार्मिंग की क्रॉप ग्रोइंग सीजन कितने उसमें ग्रो सीजन बताना है कितने सीजन में ग्रो कर जाती है क्रॉप 75 से 20 डेज में ड्राई लैंड फार्मिंग में. चेंज इन नॉर्मल क्रॉप प्लानिंग टू मीट वेदर प्रॉब्लम. ठीक है, कंटिजेंट प्लानिंग में यही होता है कि जैसे कि नॉर्मल जो क्रॉप प्लानिंग हमने करी है, क्रॉप की प्लानिंग कर दी कि हाँ इस टाइम हमें इरीगेशन देनी है, इसमें ये मतलब सारे जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है वो सोच लिए, वो प्लानिंग कर ली, पर हमें पता चलता है कि वेदर में अब नॉर्मलिटीज आ सकती है कि मतलब बारिश आ सकती है, तो उस टाइम क्या करेंगे हम उस प्लान को चेंज कर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कंटिजेंट प्लानिंग.